जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं सभी, क्या हालचाल आप सभी के। तो जो एक नोटिफिकेशन आया है आप सभी के सामने, एक इंडिया पोस्ट JDS में एक वैकेंसी निकल गई है, उसके बारे में सारी डिटेल्स दूंगा इस वीडियो में। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसमें जो डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, सारी डिटेल्स कि इसमें कौन कौन सी डिटेल्स, मतलब इसमें क्या क्वालिफिकेशन है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें ये भर्ती हर साल आती है JDS में, ग्रामीण डाक सेवक इसकी फुल फॉर्म होती है। यह वैकेंसी होती है 10th क्लास के आधार पर होती है। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं मैंने बताया, 10th क्लास में क्वालिफिकेशन होती है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी वो मैं बताऊंगा आगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कुछ अलग होने वाला है कि नहीं होने वाला है वो आपका सस्पेंस में अभी मिटा दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो इसमें जो है 22 मई 2023 से 11 जून 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन आपसे लिए जाएंगे। तो आज हो गई 21 मई, कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 22 मई से। तो आप इसमें फॉर्म फिलअप जरूर करें, इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th क्लास। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, इसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसमें अगर आपके 10th में परसेंटेज अच्छे खासे हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप जरूर करें, अगर अच्छे खासे नहीं है तो भी फॉर्म फिलअप करें। आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। JDS की भर्ती अच्छी भर्ती है, इसमें अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती है। 6-7 साल बाद में आराम से 30-40-50 हज़ार तक इसमें तनख्वाह हो जाती है। आपको इसका फॉर्म तो फिलअप करना चाहिए। और बाकी क्वालिफिकेशन मैंने बताया 10th क्लास है। 10th क्लास में जितनी अधिक आपके नंबर होंगे, जितनी अधिक आपकी मेरिट इसमें रहेगी, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें आपकी कितनी परसेंटेज है 10th क्लास में, वही उसी के आधार पर आपका चयन हो जाएगा इसमें। तो आगे की बात, इसमें मैंने कहा 22 मई से इसमें फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप एक बार फॉर्म तो ज़रूर लगाएं। इसमें जो फीस है वो क्या रखी गई है सर, तो फीस है वो रखी गई है भाई साहब, जनरल EWS और जो अपना OBC वाला बंदा है ना, उसके लिए रखी गई है 100 रुपये फीस। और लेकिन जो SC ST PWD और जो महिला वाले हैं ना, उनके लिए फीस नहीं रखी गई है। मतलब उनको सिर्फ 0 रुपये अर्थात कुछ भी पे नहीं करना है, उनको अपना फॉर्म फिलअप करना है और उसमें बस देखना है कि अपनी किस्मत आजमानी है। अगर अच्छी, अगर कट ऑफ नीचे आती है तो आपका भी सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। बाकी इसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है, इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे RJ Knowledge Hub तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा, या फिर इसकी जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका भी मैं जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, और अपने अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।